जय हिंद स्टूडेंट्स, क्लास 9th, एक्सरसाइज 7.4, क्वेश्चन नंबर 3। इन फिगर 7.49, एंगल बी इज स्मॉलर देन एंगल ए एंड एंगल सी इज स्मॉलर देन एंगल डी, शो दैट ए डी विल बी स्मॉलर देन ए बी। ये आपका क्वेश्चन है, एक्सप्लेन मैं करती हूँ अभी, बस एक मिनट में हिंदी का और पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, आकृति 7.49 में कोण बी कोण ए से छोटा है, कोण सी कोण डी से छोटा है, तो दर्शाइए कि ए डी छोटा होगा और बी सी बड़ी होगी। ए डी छोटी होगी, बी सी बड़ी। थोड़ा सा यहाँ से देखते हैं, देखो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। एंगल बी स्मॉलर देन एंगल ए, ये देखो ये बी है ना, ये किससे छोटा है, ए से। इसका मतलब कौन सा ट्रायंगल लेना है मुझे, मुझे लेना है ए ओ बी। इसमें बी स्मॉल है, ए बड़ा है, स्मॉल एंगल के सामने की साइड भी स्मॉल होगी, है ना, और लार्जर एंगल के सामने की साइड लार्जर, ग्रेटर होगी, लॉन्गर होगी। तो इसका मतलब ओ ए छोटी है, ओ बी लंबी है। इतना समझ गए, ओ ए इज स्मॉलर देन ओ बी और ओ बी इज ग्रेटर देन ओ बी। ना इधर आ जाओ, इस ट्रायंगल में सी छोटा है, सी छोटा है, तो सी के सामने वाली कौन सी है, ओ डी, ओ डी छोटी होगी। डी बड़ा है, डी के सामने वाली कौन सी है, ओ सी, ओ सी बड़ी होगी। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम जोड़ देंगे तो बी ओ में ऐड हो जाएगी ओ सी, ये दोनों लंबी थी, ए ओ में ऐड हो जाएगी ओ डी, ये दोनों छोटी थी, तो ए डी छोटी हो गई, बी सी लंबी हो गई। सिंपल, ए ओ प्लस ओ डी बन गई ए डी, है ना, बी ओ प्लस ओ सी से क्या बन गई, बी सी। तो ए डी इज स्मॉलर देन बी सी, है ना, ओरल जैसा, कितना सिंपल है। अब इसको जो मैंने प्रॉपरली किया हुआ है प्रॉपरली, उसको देख लीजिए। गिवन एंगल बी इज स्मॉलर देन एंगल ए, एंगल सी इज स्मॉलर देन एंगल डी, शो दैट ए डी इज स्मॉलर देन बी सी। इन ट्रायंगल ओ ए बी एंगल बी स्मॉलर, यहाँ सेंस लगा लो, ये तो गिवन है ना बेटा, सिंस एंगल बी स्मॉलर देन एंगल ए, इट इम्प्लाइज ओ ए विल बी स्मॉलर देन ओ बी, साइड ऑपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज लॉन्गर, बड़े कोण की विपरीत भुजा बड़ी होती है। अब दूसरे ट्रायंगल में पहुंच जाओ, ओ सी डी में, इसमें सी छोटा है डी से, यहाँ भी सिंस का साइन लगा लो, तो ओ डी छोटी होगी ओ सी से, इक्वेशन 2 हो गई, और रीजन ड्यू टू सेम रीजन उपरोक्त कारणानुसार। एडिंग बोथ इनइक्वालिटीज़, अब इक्वेशंस नहीं है बेटा, ये इक्वेशंस थोड़ी हैं, ये इनइक्वालिटीज़ हैं। ये वाली 1 है हाँ, और ये वाली 2 है। इन दोनों असमीकरणों को जोड़ने पर, इधर से जुड़ गई ओ ए के साथ ओ डी जुड़ गई, और ओ बी के साथ ओ सी जुड़ गई, तो ओ ए प्लस ओ डी हो गए ए डी, ओ बी प्लस ओ सी हो गए बी सी। हैंस शोड, यही सिद्ध करना नहीं था, यही दर्शाना था, है ना, प्रूव दैट नहीं था, शो दैट था, गॉट इट। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4, ये रहा क्वेश्चन, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए बी और सी डी, ए बी और सी डी क्रमशः एक चतुर्भुज ए बी सी डी की सबसे छोटी और सबसे बड़ी भुजाएं हैं। अब आप बोलोगे कि मैम हम तो पढ़ रहे हैं ट्राइंगल, ये कहाँ से आ गया चतुर्भुज, क्वाड्रिलेटरल कहाँ से आ गया, अभी बताते हैं। दर्शाइए कि कोण ए बड़ा होगा सी से और बी बड़ा होगा डी से। कम टू द क्वेश्चन इन इंग्लिश, ए बी एंड सी डी आर रिस्पेक्टिवली द स्मॉलेस्ट एंड लॉन्गेस्ट साइज ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, शो दैट एंगल ए इज ग्रेटर देन एंगल सी एंड एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल डी। गॉट इट। अब सुनो बच्चों, बहुत ध्यान से, हमने जो सीखा, सच बात है, वो तो हमने क्वाड्रिलेटरल के लिए, वो तो हमने ट्राइंगल के लिए सीखा, उसमें तो इसका कुछ रोल ही नहीं था, है ना। तो यहाँ पर मैं क्या करने जा रही हूँ, यहाँ पर मैं इस क्वाड्रिलेटरल के दो टुकड़े करके इनको ट्राइंगल बनाने जा रही हूँ, ठीक है। इस तरह से एक नहीं, दो ट्राइंगल्स मुझे मिल जाएंगे और मैं इनको कंपेयर कर पाऊँगी, क्लियर। तो सबसे पहले बच्चों मैंने लिया ट्राइंगल ए बी डी, देखना बच्चों ध्यान से, बहुत सिंपल है। अच्छा एक चीज़ और, सबसे छोटी साइड किसको बोल रहे हैं, स्मॉलेस्ट साइड किसको बोल रहे हैं, ये देखो ये लिखा है मैंने ए बी, ए बी इज़ द स्मॉलेस्ट या फिर शॉर्टेस्ट साइड, और सी डी, सी डी इज़ द, तो ये सबसे लंबी है इस क्वाड्रिलेटरल में, और ए बी सबसे छोटी, इस चीज़ को ध्यान रखना। बाकी इन दोनों साइड्स का कोई जिक्र ही नहीं है। जब मैंने यहाँ पर बी डी को ज्वाइन किया तो मुझे एक ट्रायंगल मिल गया ए बी डी, एक मिल गया ये वाला डी सी बी, उसकी चर्चा बाद में, पहले इसकी।
इसमें कौन कौन सी दो साइड्स आ गई, एक तो आ गई ए बी और एक कौन सी आ गई ए डी, है ना। अभी बोल रहे हैं कि ए बी इज द स्मॉलेस्ट साइड शॉर्टेस्ट, तो ए बी इन चारों में सबसे छोटी है, इसका मतलब ये ए डी से छोटी है, है ना। अगर ए बी छोटी है तो इसका अपोजिट एंगल भी छोटा होगा और ए डी के अपोजिट एंगल बड़ा होगा, क्लियर। तो ये बड़ा है ये छोटा, इतना याद रखना। अब घूम कर आ जाओ इस ट्रायंगल पर। इस ट्रायंगल में कौन कौन सी दो साइड्स पता है, कुछ बच्चे समझ गए होंगे, वो मेरा वीडियो बंद कर देंगे। हाँ मैम आ गया हमको। सी डी सबसे लंबा और बी सी सबसे, बी सी का कोई कंपैरिजन था ही नहीं ना, तो इससे तो छोटा ही फिर, क्योंकि ये सबसे लंबी बोल दिया उन्होंने, तो ये बड़ी है ये छोटी है। अब ये बड़ी है बेटा तो इसका अपोजिट एंगल बड़ा हो गया, ये वाला एंगल बड़ा हो गया, है ना। ये छोटी है तो इसका अपोजिट एंगल छोटा हो गया, ठीक है। अब हम ऐड कर देंगे, इन दोनों को ऐड किया, इन दोनों को ऐड किया, तो ये बड़े बड़े आ रहे थे दोनों, ये छोटे छोटे आ रहे थे, दैट मीन्स एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल डी, गॉट इट, है ना। अब जो दूसरा है वो सिमिलरली है, सिमिलरली कह के छोड़ा भी जा सकता है रिजल्ट को कि सिमिलरली, बट नहीं हम शो कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे सेकंड केस में, हम ए और सी को ज्वाइन करेंगे, ठीक है बेटा। अब हमें कौन से ट्रायंगल मिल गया, पहले मिल गया ए बी सी, ध्यान देना कौन सा मिल गया, ए बी सी, ठीक है। नाउ ए बी इज द स्मॉलेस्ट साइड, पहले ही बोल चुके हैं, तो ये छोटी है सबसे, तो इससे छोटी है इसका मतलब, तो ए बी छोटी है तो उसके सामने वाला ये वाला एंगल, अभी मैं ऐसे लाइन बना देती हूँ, ये छोटा होगा, और ये वाला एंगल इसको ऐसे कर देते हैं, ये बड़ा होगा, ये छोटा होगा, ये बड़ा होगा, ठीक है। अब आ जाओ इस ट्राइंगल पर, इसमें ये लॉन्गेस्ट, वो पहले ही बोल चुके हैं, तो ये लॉन्गेस्ट, इसका मतलब ये उससे छोटी, तो इसके सामने वाला एंगल ये बड़ा होगा, है ना, और इसके सामने वाला एंगल ये छोटा होगा, तो छोटे को छोटे से जोड़ दिया, बड़े को बड़े से, तो इक्वेशन जो है वो इन इक्वेशन को जो हम ऐड करेंगे तो ऐसे ही ऐड हो जाएंगे, इसका मतलब दिस विल बी लार्जर देन दिस, ये इससे बड़ा होगा, क्लियर, समझ गए ना। अब मैं इसको लिखा हुआ बता देती हूँ आपको, देख लीजिए ए बी डी ये सब जो मैंने लिखा है, आप इसको यहाँ से मेरा वीडियो पॉज कर देना और नोट कर लेना, है ना। समझाने का काम बेटा मैंने बहुत अच्छे से कर दिया, मेन चीज़ समझाने की है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, पॉज कर दो और फिर नोट कर लो, ओके। चलिए कम टू द क्वेश्चन नंबर 5, पांचवा, ये रही आकृति, इसमें ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, समझना पड़ेगा ध्यान से। पी आर इज ग्रेटर देन पी क्यू, ये रही पी आर, ये बड़ी है, पी क्यू छोटी है, तो एक अंदाज़ा तो हम अभी लगा ही सकते हैं कि ये बड़ी है तो ये एंगल बड़ा होगा, ये छोटी है तो ये एंगल छोटा होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, और पी एस कोण क्यू पी आर को समद्विभाजित करता है, ये जो पी एस है ना, ये इस एंगल पी को इक्वली डिवाइड कर रहा है, यानी बाइसेक्ट कर रहा है, ये और ये दोनों एंगल्स इक्वल। सिद्ध कीजिए पी एस आर इज ग्रेटर देन पी एस क्यू, मर गए, ये तो दो ट्राइंगल है ना, और इनके एक एंगल का मुंह इधर, एक एंगल का मुंह इधर, हमारी इनइक्वालिटीज का क्या होगा। अरे बहुत सिंपल है, देखो पी एस आर क्या है, पी एस आर इस त्रिभुज का बाह्य कोण है, एक्सटीरियर एंगल है ना, और पी एस क्यू ये वाला, ये इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है, तो हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा देंगे ना, जो हमने सीखी थी ना, एक अभी बताते हैं, इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं पहले। इन फिगर 7.51 पी आर इज ग्रेटर देन पी क्यू एंड पी एस बाइसेक्स एंगल क्यू पी आर, प्रूव दैट एंगल पी एस आर इज ग्रेटर देन एंगल पी एस क्यू, ये इंग्लिश में था। अब चलिए इसका प्रूफ, और बहुत मज़ेदार। सबसे पहले इन्होंने दिया है कि ये लॉन्गर है, पी आर बड़ी है, पी क्यू छोटी है, तो ये आप डिसाइड कर लो कि पी आर के सामने का एंगल क्यू बड़ा होगा और पी क्यू के सामने का एंगल छोटा, इतना हो गया। अब आ जाओ यहाँ, अच्छा ये दोनों इक्वल है ना, ये तो बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर तो इक्वल करता है। इस एंगल को देखो बच्चों, इस एंगल को आपने एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी पढ़ी है, आपको याद होगी, देखो मैं आपको याद दिला दूँ, ऐसे ट्राइंगल होता था
उसको हम एक्सटेंड कर देते थे एक साइड को, तो ये एक्सटीरियर बन जाता था, है ना। ये वाला एंगल इन दो एंगल्स के सम के इक्वल होता है, एंड एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स, ऐसा होता है, है ना। दूरस्थ अंतः कोण, एक बाह्य कोण दूरस्थ अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। तो ये रहा एक्सटीरियर एंगल, ये इन दोनों के सम के इक्वल होगा। इधर वाला ले लो तो इन दोनों के सम के इक्वल होगा। बोलो आया समझ में? ये वाला इन दोनों के सम के इक्वल होगा, क्योंकि ये वाला इस त्रिभुज का बाह्य कोण है, और ये वाला कोण जो है ना, ये इस त्रिभुज का बाह्य कोण है, ये वाला इस त्रिभुज का बाह्य कोण, यानी ये इन दोनों के सम के इक्वल होगा। अब ये इन दोनों का सम है, ये इन दोनों का सम है, ये दोनों तो इक्वल है, चलो ये परेशान नहीं करेंगे। इन दोनों में कौन बड़ा? इन दोनों में क्यू बड़ा। तो अगर क्यू बड़ा तो इसका मतलब ये बड़ा है ना, ये दोनों तो इक्वल है और ये बड़ा है, तो ये क्या है? इन दोनों का सम है, है ना, तो ये बड़ा होगा, और ये इन दोनों का सम है तो ये छोटा होगा। क्लियर? ये दोनों तो इक्वल है, ये बड़ा है, इसमें ये जुड़ रहा है, इसमें ये जुड़ रहा है, ये छोटा है, तो इसमें जब बड़ा जुड़ेगा तो ये बड़ा होगा, इसमें छोटा जुड़ रहा है तो ये छोटा होगा। सिंपल है ना। अब इसको लिखने का प्रोसीजर देख लीजिए। गिवन पी आर इज ग्रेटर देन पी क्यू एंड दीज टू एंगल्स आर इक्वल, ये दिया नहीं है एक्चुअली, ये रिजल्ट है। ये किसका रिजल्ट है? पी एस इज द बाइसेक्टर ऑफ ये, तो मैंने रिजल्ट को गिवन करके लिख दिया। टू शो दिस एंगल इज ग्रेटर देन दिस। सॉल्यूशन, सबसे पहले पी आर बड़ा है, पी क्यू दिया हुआ था, तो क्यू बड़ा होगा आर से, यहाँ लिख दिया। एंगल ऑपोजिट टू द लॉन्गर साइड इज लार्जर, बड़ी भुजा का सम्मुख कोण बड़ा होता है। अब पी एस आर ये होगा, पी एस क्यू ये क्यू, बाह्य कोण गुणधर्म, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। अब इन दोनों में कंपेयर किया, क्यू बड़ा है आर से और ये दोनों बराबर, ये लिख दिया क्यू बड़ा है आर से और ये दोनों बराबर, तो ये वाला पोर्शन बड़ा हो गया, बराबर में ये बड़ा जुड़ रहा है, तो ये बड़ा हो गया, यानी कि पी एस आर जो है वो ये रहा, पी एस आर ग्रेटर हो गया, किससे? पी एस क्यू से। ठीक है, तो ये बड़ा मस्त क्वेश्चन था और हो गया। लास्ट एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन नंबर 6। शो दैट ऑफ ऑल लाइन सेगमेंट्स ड्रॉन फ्रॉम अ गिवन पॉइंट नॉट ऑन इट द परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट इज द शॉर्टेस्ट। इसको हिंदी में देख लो, दर्शाइए कि एक रेखा पर एक दिए हुए बिंदु से जो उस रेखा पर स्थित नहीं है, जितने रेखाखंड खींचे जा सकते हैं उनमें लंब रेखाखंड सबसे छोटा होता है। अब बच्चों मान लो एक पॉइंट है और एक लाइन है, ये देखिए मैंने इसको भी सॉल्व करके रखा हुआ है, एक पॉइंट है और एक लाइन है, ये देखिए ये लाइन है, एल इसका नाम है, ये पॉइंट है, ओ मैंने इसका नाम रख दिया। ठीक है, अब ये पॉइंट लाइन के ऊपर नहीं है, लाइन के ऊपर लाई नहीं करता है, ऊपर है। अब इस पॉइंट से मैंने तुमसे कहा बेटा डिस्टेंस बताओ, तो मैं पता है कुछ भी नहीं बोलूंगी आपको, तो भी आप पता है क्या करोगे, आप स्केल को ऐसे रख के नापने की कोशिश करोगे, ऐसे ही बोलोगे कि मैम इतने सेंटीमीटर है। कोई भी बच्चा ऐसे डिस्टेंस नहीं नापेगा, है ना, ऐसे भी नहीं नापेगा, हमेशा ऐसे नापेगा। इसका मतलब ये जो इस तरह से आप नापते हो ना, तो ये 90 डिग्री का एंगल बनता है, और एक पॉइंट से एक लाइन पर जितनी भी लाइंस खींची जा सकती हैं उनमें से ये सबसे छोटी होती है, ये आपको बताना है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ? जितनी भी लाइंस आप इस पॉइंट से खींच सकते हो, परपेंडिकुलर जो लाइन सेगमेंट होगा दैट विल बी शॉर्टेस्ट, ये सबसे छोटा होगा। अब इसको समझ लो, लिखना विखना बाद में समझो, पहले ये समझो। एक मैंने क्या किया, ओ एम तो ड्रॉ करना ही था, एक एक्स्ट्रा खींच ली, अभी ये सब नहीं खींचा समझो, केवल ओ पी खींचा। ठीक है, एक लाइन मैंने एक्स्ट्रा खींच ली ओ पी, अब मेरा एक ट्रायंगल रेडी हो गया। अब मैं इन दोनों लाइंस को कंपेयर करना चाहती हूँ। आपको पता है अभी क्वेश्चन नंबर 1 में हम कर चुके हैं, ये जो ट्रायंगल OMP है ना, इसमें ये 90 डिग्री का है, इसका मतलब ये और ये दोनों एंगल्स एक्यूट होंगे, है ना, यानी कि न्यून कोण होंगे। कुल मिलाकर ये वाला एंगल
इस एंगल से छोटा होगा, है ना। 90 डिग्री का एंगल सबसे बड़ा होता है, तो ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया। बड़े के सामने की साइड बड़ी, छोटे के सामने की साइड छोटी, और वैसे भी हाइपोटेन्यूस तो लॉन्गेस्ट साइड होती है। इसका मतलब OP इज लॉन्गर देन OM, गॉट इट। हाँ, एक राइट एंगल ट्रायंगल रेडी हो गया, तो OP इज लॉन्गर देन OM। अब अगर P की जगह मैं Q ले लूँ तो क्या रिजल्ट आएगा, OQ इज लॉन्गर देन OM। अगर मैं R ले लूँ तो OR इज लॉन्गर देन OM, OS इज लॉन्गर देन OM, OT इज लॉन्गर देन OM, जितने चाहे ले लो, सब बड़े आएंगे, सबसे छोटा कौन आएगा, OM। इसलिए परपेंडिकुलर जो लाइन सेगमेंट होता है दैट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। हो गया प्रूफ, है ना। अब इसको लिखने का प्रोसीजर देख लीजिए। गिवन अ पॉइंट O एंड अ लाइन L, एक बिंदु O तथा एक रेखा L, ये दिया हुआ है। टू शो, सिद्ध क्या करना है पहले, अच्छा ये दिया हुआ है, मैं ये भी लिख लो, OM इज परपेंडिकुलर ऑन L, ये भी लिख लो। टू शो OM इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, OM सबसे छोटा रेखाखंड होगा। माना OP एक अन्य रेखाखंड है, ये देखो ये OP, ये कोई और है, ये वाला अन्य रेखाखंड है जो O से रेखा L पर है। लेट OP बी अनदर लाइन सेगमेंट फ्रॉम O टू L, ठीक है। देन इन ट्राइंगल OMP, OP इज ग्रेटर देन OM। रीजन, एंगल ऑफ 90 डिग्री इज द लार्जेस्ट इन द राइट एंगल ट्राइंगल एंड लाइन ऑपोजिट टू लार्जेस्ट एंगल इज लॉन्गेस्ट। लाइन सेगमेंट नहीं, साइड लिखो, एंड साइड ऑपोजिट टू लार्जेस्ट एंगल इज लॉन्गेस्ट। हिंदी में क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री का कोण सबसे बड़ा होता है तथा बड़े कोण की विपरीत भुजा सबसे बड़ी होती है। इसलिए इट इज ट्रू फॉर ऑल अदर लाइन सेगमेंट्स OP, OQ, OR, OS, OT एंड एटसेट्रा डॉट 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 एटसेट्रा। यह अन्य सभी रेखाखंडों OP, OQ, OR, OS, OT डॉट 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 इत्यादि के लिए सत्य है। अतः यानी देयरफॉर OM इज स्मॉलर देन OP, OM इज स्मॉलर देन OQ, OM इज स्मॉलर देन OR एंड सो ऑन। अतः OM सबसे छोटा रेखाखंड है, देयरफॉर OM इज द शॉर्टेस्ट लाइन सेगमेंट, हेंस शोड यही दर्शाना था, ठीक है। इस तरह से बच्चों हमारा चैप्टर तो अभी बाकी है, मिसलेनियस करनी है, एक्सरसाइज 7.4 यहाँ पर समाप्त होती है। अब हम हिंद की जय करें, क्योंकि हिंद की जय होगी तो हमारी भी जय होगी। ओके, जय हिंद।